जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ योर हिस्ट्री पार्ट। मॉडर्न हिस्ट्री मैं शुरू कर रहा हूँ इन सेशंस में एज अ पार्ट ऑफ योर फटाफट सीरीज। ये वो टॉपिक्स हैं 11th 12th क्लास के जहाँ से हर बार यूपीएससी क्वेश्चन डाल रहा है पिछले 5 से 6 सालों में, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू नो वेयर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, कहाँ से आ रहे हैं ये पता ही नहीं है जी। ये टॉपिक्स जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये NDA में, CDS में और CFF में काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस कोर्स और बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी जो पेपर में डायरेक्टली आई हुई हैं और आपको मिलेंगी। और ये भी बता देता हूँ ये NCERT के टॉपिक्स आपको किसी भी पुरानी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं मिलेंगी, पुरानी इन सेंस द वेल नोन बुक्स स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, इन पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। और ये 110% श्योर है CDS में, NDA में और CFF में, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैंने हाईलाइट करके सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो नथिंग टू वरी। ये जो पहला चैप्टर है ना, ये इसके ऊपर है कि कैसे अंग्रेज़ आए थे और इन्होंने कैसे अपना सिस्टम सेटअप किया था, रयौतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, इसके ऊपर है और कैसे हालात हुए थे उस समय, इस चीज़ के ऊपर है ये सारा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। अगर आप इस समय चेक करो तो ये बताया जा रहा है पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में कि कैसे अंग्रेज़ों ने कंट्रोल कर रखा था पूरे इंडिया को, स्पेशली राजमहल हिल्स, क्योंकि यहाँ पर सारी स्टोरी फ्रांसिस ब्यूकनन की दी हुई है। फ्रांसिस ब्यूकनन जो कि एक सर्जन थे वैसे पेशे से, और इन्होंने ट्रेवल किया था इंडिया में, जो जो इन्होंने देखा कैसे कैसे हो रहा है, दैट इज़ वॉट ही इज़ रिटन अबाउट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कैसे रेवेन्यू पॉलिसीज लाई, इस पे क्वेश्चन है सारा और यही पेपर में आते हैं। और लॉज इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहे थे, कैसे हालात बन चुके थे, क्या चीज़ें हो रही थी, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको डिस्कस की हुई मिलेंगी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रिसेंट NDA के पेपर्स में ये भी पाया गया कि जो टेबल्स तो हैं ही पेपर में आते हैं CDS CFF में, लेकिन जो फोटोग्राफ भी पेंटिंग्स भी बनी हुई है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। आपको भी पता बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1757, जिससे ब्रिटिशर्स का रूल शुरू हुआ था इंडिया में, और ये बंगाल में, प्लासी और बक्सर बंगाल की तरफ है, तो पहले कॉलोनियल रूल शुरू भी वहीं से हुआ था। सो इन्होंने हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने रूरल सोसाइटी को रीऑर्डर करने की कोशिश की, नए लैंड राइट्स और नए रेवेन्यू सिस्टम लाने की कोशिश की थी। और एक ये इंसिडेंट बताया गया यहाँ पर, ऑक्शन एंड बर्दवान। बर्दवान में हुआ क्यों ऑक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर राजा था ही वॉज नॉट एबल टू पे द टैक्सेस, क्लियर है, तो उसकी जितने भी महल, एक और महल वाली सिस्टम भी, जो उसका स्टेट था, जो उसका एरिया था, वो सारा बेचा जा रहा था, ऑक्शन की जा रही थी। याद रखिएगा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ था। कुछ फैक्ट्स जो इस बुक में नहीं दिए, मेरी स्पेक्ट्रम से जो नॉलेज है आई विल कीप ऑन एडिंग अप। जैसे ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, जिसको आप ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे सर जॉन शूर, और वैसे किसके टाइम था, कॉर्नवेलिस के टाइम, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था। होता क्या था, एक ज़मींदार के ऊपर परमानेंटली एक रेवेन्यू डिक्लेयर कर दिया कि इतना आपने फिक्स कर दिया, ये आपने पे करना ही करना, और अगर वो पे नहीं किया गया ज़मींदार के द्वारा तो वो रिकवर करेगी कंपनी कैसे, उसकी ज़मीन बेच के, ऑक्शन करके। और इस प्रकार राजा जो था बर्दवान का, इसके ऊपर बहुत सारा पुराना टैक्सेस का कलेक्शन हो चुका था जो देने लाभ बाकी थे, और बहुत सारे परचेजर्स भी आए वहाँ पर खरीदने उस ऑक्शन में, लेकिन कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट ऑफ द टेल। वो क्या था कि जो राजे के ही अंदर एजेंट थे, उन्होंने ज़मीन खरीद ली 95%, और वो सारी फिक्टिशियस थी, जो ज़मीन बिकी लेकिन उसी के राजे के बंदे ही खरीद लेते हैं सस्ते में, और वही चीज़ वापस हो जाती है। तो फिर वाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू, इसके ऊपर देखेंगे। अनपेड रेवेन्यू क्यों था इतना ज़्यादा, बर्दवान राज वर नॉट द ओनली वन सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 18th century, ओवर 75% ऑफ द ज़मींदारीज चेंज हैंड्स आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट, क्लियर है जी। और ये परमानेंट सेटलमेंट लाए क्यों थे, क्योंकि उनको था कि भाई किसी तरह कंट्रोल करेंगे इकॉनमी,
और बंगाल को वहाँ पर लेके आएंगे। रिकरेंट फेमाइंस, डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, उनको लगा कि एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ द स्टेट कुड ऑल बी डेवलप्ड बाई इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इन्होंने सोचा कि वहाँ पर ऑलरेडी हालात बहुत ख़राब थे बंगाल में, किसी प्रकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लानी है, और वो कैसे लाएंगे, ज़मींदार। उससे क्या होगा, जैसे राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी और परमानेंटली फिक्सिंग, तो इससे क्या होगा, ज़मींदार इनकरेज होगा यहाँ पर लगाने की, और वो इन आउटपुट नहींगा। ऑफ द स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्स, द कंपनी कुड लुक फॉरवर्ड रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, वाइल ऑन्टरप्रेन्योर्स विल फील द श्योर ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं ना, तो कंपनी को एक पक्का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, क्योंकि वो टैक्स देंगे, और वैसे बाकी ऑन्टरप्रेन्योर जो होंगे वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, वुड नॉट बी साइफन इट ऑफ बाई इंक्रीजिंग इट्स क्लेम, क्योंकि सरकार कभी भी अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी या कम नहीं करेगी, उतना ही क्लेम रहेगा। सोचा तो ये था कि बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उससे क्या होगा, बड़े 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 इमर्ज होंगे फार्मर्स, रिच लैंड ओनर्स जिनके पास कैपिटल है, वो इन्वेस्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे एग्रीकल्चर के। ये सोच रखी गई थी जब ज़मींदार ये सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट रखा गया था। बट प्रॉब्लम क्या थी, इनके इंडिविजुअल जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि वो इम्प्रूव करेंगे एग्रीकल्चर, तो परमानेंट सेटलमेंट रखा किसके साथ, राजाओं के साथ और तालुकदार ऑफ बंगाल, जिनको अब जमींदार कहा जाता था। पर याद रखिएगा, इन द डेफिनेशन जमींदार वॉज नॉट द लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है। इन कंपनी कैलकुलेशन विलेजेस विद इन वन जमींदार वुड फॉर्म वन रेवेन्यू स्टेट, फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द इंटायर स्टेट उस रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। क्लियर है जी, ये था कि एक्सपेक्टेड था कि हर रेगुलरली पे करेगा और ये चीज़ होगी, पर हकीकत में ये चीज़ें नहीं हुई, वो भी देखेंगे। ये पेंटेड बाय, याद रखना, थॉमस गेन्सबर्ग, ये जो चार्ल्स कॉनवेल्स की फोटो है, और ये ही वॉज द कमांडर, ये भी पूछ सकता है, और ब्रिटिश फोर्सेज ड्यूरिंग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793। ये तो हमने पढ़ लिया, और ये भी याद रखिए, फर्स्ट वॉर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कमांडर था ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो मेन दैट डिफॉल्ट क्यों हुआ, सोचा तो ये था इन्होंने कंपनी वालों ने कि फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड है, तो ज़मींदार को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि वो प्रॉफिट और बढ़ाने की कोशिश करेगा, कि एक लिमिट के बाद जितना भी होगा वो सारा मेरा, ठीक है जी, और उसको रिटर्न्स मिलेंगे। क्लियर है, इन द अर्ली डिकेट्स हाउएवर ज़मींदार रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड एक्युमुलेटेड डिमांड्स। इसका सबसे पहले कारण था, अंग्रेजों ने जो डिमांड रखी थी वो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, समय के जो टैक्स था वो बहुत बड़ा था, हाई था, बिकॉज उनका दिमाग में पता क्या सोच था कि यार इनको तो प्रॉफिट आना ही बहुत बड़ा है, तो पहले ही बड़ा रखो, जबकि ये प्रॉब्लम थी। द कंपनी वुड नेवर बी एबल टू क्लेम अ शेयर ऑफ इंक्रीज इनकम, कि कल को इनकम बढ़ेगी तो हमें थोड़ा कुछ मिलेगा, इसलिए पहले ही बढ़ा के रख लो, टू मिनिमाइज द एंटिसिपेटेड लॉस, मतलब कल को हमें लॉस होगा कि इतना रेवेन्यू हम कमा सकते थे लेकिन सारा ही लॉस हो जाएगा, इसलिए उन्होंने टैक्स बहुत बढ़ा दिया था, ये एक वन ऑफ द रीज़न था। दूसरा, सेवनटीन नाइन्टीज़ में जब प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉज डिप्रेस, काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे प्राइस, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर रियॉल्स टू पे द ड्यूज टू द जमींदार, कुड नॉट कलेक्ट द रेंट, हाउ ही वुड पे द कंपनी। थर्ड वन, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, कि कई बारी हो सकता है कि ना आए, प्रोडक्शन इतनी ना हो, और उस समय सनसेट लॉ रखा हुआ था, अगर पेमेंट शाम तक नहीं पहुंची तो ज़मींदार की जो ज़मीन है वो ऑक्शन हो जाएगी। चौथा, परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ ज़मींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बियॉन्ड एंड मैनेज हिज ज़मींदारी, क्योंकि ज़मीन, ये समझ आ गया नहीं, एक चीज़ और, रियात ये कल्टीवेटर है, ये फार्मर है, ये भी कई बारी क्वेश्चन आता है। द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज ज़मींदार एज इम्पॉर्टेंट बट इट वॉन्टेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दैम, द ज़मींदार ट्रूप्स वर डिस्बैंडेड इन कस्टम्स, ये चीज़ समझ गए जी। हौली हौली होना क्या शुरू हो गया, ज़मींदार लॉस देयर पावर,
टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस इमर्ज, क्योंकि ये कंपनी ने क्या किया, ज़मींदार को कलेक्ट टैक्स करने का तो दिया, लेकिन बाकी जो काम थे वो सब खुद कर रही थी, लाइक कलेक्टर सिस्टम बना दिया, सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, क्लियर है? और कंपनी ऑफिशियल वॉज स्पीडली डिस्पैच टू हिज ज़मींदारी विद एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस टू टेक चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड टू यूज़ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ द ज़मींदार अमला केम अराउंड टू द विलेज एंड रेंट कलेक्शन वॉज अ पेरिनियल प्रॉब्लम, क्योंकि बैड हार्वेस्ट लो प्राइसेज मेड पेमेंट ड्यू डिफिकल्ट फॉर द रियॉर्ड्स. रिच रियॉर्ड्स एंड द विलेज हेडमैन ज्योतिदार एंड मंडल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी ज़मींदार इन ट्रबल, क्योंकि ज़मींदार के जो नीचे गाँव में थे उनमें बड़े बड़े जो रिच रियॉर्ड्स थे वो हमेशा खुश थे, एंड दे वर नॉट इवन अकॉर्डिंग टू ज़मींदार. इसी टाइम पे ज़मींदार को तो दबा के रखा था, एक तो ऊपर से कंपनी ने और नीचे से ज्योतिदार से, तो बीच में ज़मींदार फंस रहा था. और इस टाइम पे ज्योतिदार बिकेम वेरी रिच ऑल्सो, क्लियर है? द रिच क्लास ऑफ द पीजेंट्स आर कॉल्ड एज ज्योतिदार. सो ज्योतिदार हैव अक्वायर्ड वास्ट एरिया समटाइम्स एज मच एज 1000 acres. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. अब क्या हो गया था, विलेजेस में पावर ऑफ ज्योतिदार ज़्यादा होनी चुकी हो चुकी थी इफेक्टिव देन दैट ऑफ ज़मींदार. दे वर लोकेटेड इन द विलेजेस ऑब्वियसली, और जो ज़मींदार थे वो अर्बन एरिया में, तो लोकल इम्पोर्टेंस रहता था. उसके बाद ज्योतिदार वर्स ऑफन द अमंग द परचेजर्स, कई बार ज़मींदार की जो ज़मीन बिक्री होती थी तो ज्योतिदार खरीद रहे होते थे. तो ज्योतिदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल. All the rich peasants and the village headmen were emerging as commanding figures. इन्हीं को ज्योतिदार्स को कहा जाता हौलादार्स, घंटीदार्स एंड मंडल्स. I hope everybody is clear about permanent settlement. ये कंपनी है जी, कंपनी को ज़मींदार ने पैसे देने, तो यहाँ पर एक तो रियॉर्ड्स हैं, अंडर रियॉर्ड्स, इनसे लेके यहाँ पर, इधर से एक ज्योतिदार है जो अंडर रियॉर्ड से ले रहा. तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम था, याद रखिएगा. इस पे भी क्वेश्चन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू डिमांड ओवर विलेजेस, बिग और स्मॉल पेड इन टू ज़मींदार. तो अथॉरिटी ऑफ ज़मींदार्स इन रूरल एरियाज डिड नॉट कोलैप्स. क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डिमांड तो बहुत थी और ऑक्शन इनको पता ही था. तो इसमें मैनेवर कैसे करते थे ये लोग, ये पहले क्या करते थे, फॉर इंस्टेंस दे हिज ज़मींदारी टू हिज मदर, कंपनी डिक्रीड द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन विड बी टेकन वुड नॉट बी टेकन ओवर. ये पॉइंट भी याद रखिएगा जी. देन एज अ सेकेंड मूव हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शन, द अनपेड बैलेंसेज वर अलाउड टू एक्यूमुलेट. व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टेट वॉज ऑक्शन ज़मींदार्स मैन ब्रॉट द प्रॉपर्टी आउट बिडिंग अदर परचेजेस, और बाद में रिफ्यूज कर देंगे पे करने में. तो फिर वापस जाती कहाँ पे, ज़मींदार के एजेंट के, वंस अगेन द परचेज मनी वॉज नॉट पेड. ये काफ़ी बार होता रहता था. इस प्रकार ज़मींदार्स पावर समवट फ्लेक्सिबल ओवर द विलेजेस वॉज स्ट्रेंथन. इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s दे फाइनली कोलैप्स एंड ज्योतिदार्स कंसोलिडेटेड देयर पावर इन द कंट्री साइड. क्लियर हो गया जी सभी को? नेवर पेड द फुल रेवेन्यू, देते नहीं थे, और ना कभी कंपनी कभी रिकवर कर पा रही थी. और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रांड स्केल पे हो गया था जब यहाँ पर बुर्दवान मेड बेनामी 50 acres एंड कलेक्टिवली यील्ड एज मच एज 30 lakh. सो देर वर अदर वेज इन विच ज़मींदार सरकमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो ज़मीन जा रही थी उसको कैसे अपने पास ही रख लेते थे. अगर बाहर का भी बंदा लेने आता था तो उनको पहले ही कुड नॉट ऑलवेज टेक द पोजिशन. गुंडे बदमाश रखे जाते लठियाल्स और फॉर्मर ज़मींदार, उनको अटैक करेंगे और उनको कहेंगे कि आपने लेना. क्लियर है? नहीं, इस प्रकार ये चलता था. ये पेपर में आई हुई है, फिफ्थ रिपोर्ट 2 बार CDS में आ चुकी है.
फिफ्थ रिपोर्ट है क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई थी 1813 में, ये भी पूछ सकता है। फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, 1002 पेजेस विच 800 पेजेस थे अपेंडिसेस के, एंड रिप्रोड्यूस पटिशन ऑफ जमींदार एंड रियाट्स। क्लियर है जी, रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स द स्टेटिस्टिकल टेबल्स एंड ऑल दीज। इसमें ओवर ट्रेड विद चाइना एंड दिस थिंग, देयर वर मेनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु वर अपोज टू द मोनोपोली ओवर द ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, वॉन्टेड रेवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर एंड द कंपनी दिस मोनोपोली, नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वॉन्टेड अ शेयर इन द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन ब्रिटेन वर कीन टू ओपन अप द इंडियन मार्केट फॉर दिस थिंग। मेनी पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यूड दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वर बेनिफिटिंग ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी बट नॉट द ब्रिटेन नेशन एज अ होल। द मिस रूल मार एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हॉटली डिबेटेड इन इंडिया एंड ऑफिशियल्स वर वाइडली प्रोसेस्ड इन द प्रेस। Produced by Still Select Committee, it became the basis of intense parliamentary debates on the nature of East India Company's rule. याद रखिएगा, ये थी जी फिफ्थ कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट आइए, उसके बाद फिफ्थ रिपोर्ट exaggerated the collapse of traditional जमींदारी power as also overestimated the scale on which जमींदार्स were losing their land. Were not always displaced given the ingenious methods. तो फिफ्थ रिपोर्ट पक्का याद रखिएगा जी। अगला आइए, हो एंड ब्लो। ये दो चैप्टर को ना आपने दो हिस्सों में पढ़ा होगा। पहले चैप्टर में तो आपने पढ़ा सारा ज़मींदारी सिस्टम और एग्जांपल दिया। हो एंड ब्लो का चक्कर क्या था, बंगाल में एक पहाड़ियाँ थे राजमहल हिल्स में, जो ट्राइबल्स थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे वो यूज़ करते थे हो, और नीचे प्लेन्स में लोग रहते थे। बाद में ब्रिटिशर्स और ये अटैक करते रहते थे, कुछ ना कुछ यहाँ से ले कर चले जाते थे, ठीक है जी। बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लेके आए थे संथल्स को, उनको डेजिग्नेट किया गया प्लो से क्योंकि वो सेटल्ड फार्मर्स थे, और इनको जो ज़मीन दी गई थी उसका नाम रखा गया था दामिन को। ये दो तीन बारी CDS में आ चुका, NDA में भी आ चुका जी। आइए ज़रा देखते हैं जी, जब ब्यूकानन इधर राजमहल हिल्स में झारखंड की तरफ, अगर आप चेक करो बंगाल की तरफ, बहुत ही इम्पेनिट्रेबल थे, बहुत ही कम ट्रेवलर अंदर जा पाते थे। तो जब भी देखा उन्होंने इवेंट, पीपल वर हॉस्टाइल एंड अप्रिहेंसिव ऑफ ऑफिशियल्स। ब्यूकानन जब जा रहे थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ही वॉज अ सर्जन फिजिशियन एंड ही वॉज ऑल्सो अ ट्रेवलर। कलकत्ता अलीपुर ये इन्होंने खोले थे, बॉटनिकल गार्डन ये सब। सो वाई वर दे सो अप्रिहेंसिव ऑफ ब्यूकानन विजिट। His journal was written as a diary of places he visited, people he encountered and distances. इसमें कुछ नहीं आना जी। That hill folk were known as Pahadiyas, and they were around the Rajmahal hills, forest producer practicing shifting cultivation. Play around these patches. क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि यार ये जो प्लेन का एरिया इसको और बढ़ाना चाहिए। अंग्रेजों के दिमाग में था जितनी जगह और बढ़ेगी उतना टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये इनको पहाड़िया को भगाना भी चाहते थे, इनके साथ अटैक करवाया। लेकिन जो पहाड़िया थे, दे ग्राउंड लाइटली विद होज, कल्टीवेटेड द क्लियर लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन लेफ्ट इट फैलो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जांपल। जंगलों से महुआ फॉर फूड, सिल्क कोकून एंड रेजिन फॉर सेल, वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। और जो नीचे अंडरग्राउंड जाती थी ग्रोथ, उसको तोड़ने के लिए ये काफी काम था अपना, कौन सा होगा। एज हंटर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, तो ये रहते थे विद इन टैमरिंड ग्रुप्स वहां पे, रेगुलरली रेड करते थे प्लेन्स को, सेटल्ड एग्रीकल्चर कल्टीवेटर्स को एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, देवर मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस विद आउटसाइडर्स। एट टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग रेगुलर, कई बार इनको शांति के लिए ज़मींदारों को, प्लेन्स वालों को कुछ पैसे देने पड़ते ताकि शांत रहें, ये हमारे ऊपर अटैक ना करें। ट्रेडर्स भी देते थे, और जब टोल पे होता था पहाड़ी चीफ्स प्रोटेक्टेड दैट ट्रेडर्स।
दे गुड वर नॉट प्लंटेड बाय एनीवन। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए हैं तो इन्होंने इनकरेज किया फॉरेस्ट क्लियरेंस को, जमींदार एंड जोतेदार टर्न अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड, कि भाई फॉरेस्ट को क्लियर करो और वहाँ पर हम खेती करें। एक्सटेंशन ऑफ सेटल वॉज नेसेसरी टू एनलार्ज द सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एस्टैब्लिश बेस ऑफ सेटल्ड एंड। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो वाइल्डनेस है फॉरेस्ट में और सैवेजान रूलिंग है ये लोग, इनको ठीक करना हमारा काम है। क्लियर है? अंदर मोटिव था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद दिस शार्पन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इल फॉक एंड सेटल कल्टिवेटर, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और इन्होंने देखा कि फॉर्मर जो हिल फॉक है इन्होंने बार बार रेड करना शुरू कर दिया था विलेजेस, फूड ग्रेन्स ले गए, कैटल ले गए। फिर हौली हौली इन्होंने क्या कहा, कंट्रोल करने की कोशिश की पहाड़ियों को, बट इन्होंने बहुत मुश्किल से नहीं हो पाया। फिर इन्होंने सोचा कि भाई एक और तरीका, पहले तो पैसिफिकेशन करने की भी कोशिश की, पैसिफिकेशन मतलब शांत, लड़ाई हो ही ना। और वो क्या था, अगस्तस क्लीवलैंड ने उनको एनुअल अलाउंस देंगे और मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन, मेंटेन ऑर्डर कंडक्ट ऑफ देयर मैन, चीफ्स के साथ सीधा समझौता किया कि शांति बनाए रखना ये चीज़ है। लेकिन ये सीधा रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, उन्हें हमें नहीं अलाउंस चाहिए। वो एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ लॉस अथॉरिटी विद, अगर कोई एक्सेप्ट करता था तो उनको जो बाकी उनके शिगर थे वो उनको मानना बंद कर चुके थे। अब ये पैसिफिकेशन तो काम नहीं आया, तब इन्होंने क्या किया, द एक्सपीरियंस ऑफ पैसिफिकेशन कैंपेन्स एंड ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन शेप देयर परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश इन्फिल्ट्रेशन इनटू द एरिया। उनको हर जो वाइट मैन है रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल, देयर वर न्यूअर इंटीमेशंस ऑफ डेंजर, सेंथल्स वर कमिंग, कटिंग डाउन द टिम्बर, प्लोइंग लैंड एंड ग्रोइंग राइस, लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय संथल सेटलर्स, पहाड़ियाँ रिसीटेड डीपर इंटू राजमहल्स, संथल्स आ गई यहाँ पर और पहाड़ियाँ पीछे पीछे जाना शुरू हुआ, विच दे रिफ्यूज यूज फॉर शिफ्टिंग एंड सेटलर्स केम विद द प्लो, और बैटल बिटवीन द पो एंड प्लो स्टार्टेड। क्लियर हो गया जी? अब ये चीज़ जब हुई बाद में संथल्स ही वापस इनके ऊपर ब्रिटिशर्स के ऊपर रिवोल्ट करें। इट जस्ट सफिशियंटली कल्टिवेटेड शो दैट अ ग्लोरियस कंट्री विद, had been extended by the Santhals. They had moved into the area around 1800. Hill folk lived on these lower slopes and this thing. How did the Santhal reach the Rajmahal? Santhals had begun to come into Bengal around 1780s. Zamindaron ne hire kiya unko, reclaim land and expand cultivation. Having failed to subdue the Pahariyas, transform them into settled cultivate, the British turned to the Santhals. And the party has refused to cut the forest and resisted touching the plow. Santhals को land दी गई 1832, a large area of land जिसको दामिनी को, this was declared to be the land of Santhals. They were to live with it but practice plow agriculture and become settled peasants. The land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within 10 years. स्लोली स्लोली संथल्स ने इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया दामिनी को, जहाँ पर 40 थे विलेजेस अब बन गए 1473 1851 में। संथल पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 3000 टू 82000, कल्टीवेशन एक्सपेंडेड एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लोड इन द कंपनीज क्रॉपर्स। संथल्स मिथ्स एंड द सॉन्ग्स, they represent Santhal past as one of the continuous mobility, a tireless search for a place to settle. Was their journey seemed to have come to an end. Santhals started settling down, resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to the drier interior and to the more barren and this thing. Their lives impoverished them for a long time.
Paddy could not effectively sustain their mode of cultivation. When the forests of the were cleared into cultivation, hunters amongst them also faced problems. By contrast, gave up their early life of mobility and settled down. समझ आ गया जी, ये सभी को संथल सेटल डाउन हो गए. लिविंग हाई टैक्सेस ऑन द लैंड. अब क्या हुआ, संथल सून फाउंड कि लैंड दे वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन. अंग्रेज उनके ऊपर टैक्स लगा लगा के उनसे अच्छी नहीं जा रहे हैं, और ऊपर से मनी लैंडर जो है वो भी बहुत हाई रेट पे चार्ज कर रहे हैं. तो तब इन्होंने भी ये कर दिया टाइम, इन्होंने रेबेल कर दिया अगेंस्ट द जमींदार. मनी लैंडर्स अंदर थे. सिद्धू मांझी याद रखिएगा, लीडर था संथल. संथल परगना वॉज क्रिएटेड एंड 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भगलपुर एंड बीरभूम. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस हो एंड दिस कल्टीवेशन. बहुत इंटरेस्टिंग था. आई होप इस पे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जी. अकाउंट्स ऑफ द करंट क्लियरिंग न्यू लैंड्स एंड बट लिव मेनली देयर हट्स हैव नो फेंस स्मॉल स्टिक्स बट दिस थिंग. आयरन ओर एंड माइका ग्रेनाइट एंड साल्ट पीटर दैट लोकल प्रैक्टिस ऑफ सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन माइनिंग स्टोन्स एंड रॉक्स द डिफरेंट स्ट्रेटा लेयर्स ऑफ द सॉइल ही सर्च फॉर मिनरल्स. क्योंकि ये जियोलॉजिस्ट भी था, इसने खूब देखा कि यहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं. विद द डॉट्समैन सर्वेयर्स एंड द पेंग्विन क्लियर है. एट स्पेसिफिक मेंशन अबाउट दैट ही हैड टू लुक फॉर एंड व्हाट ही हैड टू रिकॉर्ड. ही हैड टू रिकॉर्ड एवरी रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिल रहा है. नेचुरल रिसोर्सेज इट कुड कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट. तो इन्होंने सारा सर्वे किया, इसने ये सारी चीज़ें देखी, यहाँ पर खूब है. इसने रोट अबाउट द लैंडस्केप. यू मस्ट रिमेंबर दैट हिज विजन एंड हिज प्रायोरिटीज वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ लोकल. कहीं भी ये सिंपथी के लिए नहीं, ये सिर्फ कंपनी की तरफ से भेजा गया था कहाँ कहाँ पर रिसोर्स है, जाके चेक करें ताकि हम एक्सप्लॉयट कर सकें. मोटिव यही था, वेस्टर्न नोशन, समझ गए. कमर्शियल कंसर्न थे और कुछ नहीं था. ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. अब ये भी पेपर में आया हुआ है, बॉम्बे डेकन. ये तो बंगाल में हुआ है. बॉम्बे में जो महाराष्ट्र में क्या चक्कर चल रहा था, इधर भी लड़ाइयाँ थी. यहाँ पर कैसे था, इधर सिस्टम कौन सा था, रियोतवाड़ी, जिसको लाए थे सर थॉमस मुनरो. अब आइए जरा इधर देखते हैं. ये पेपर में, इस बारी पेपर में आया आपके सीडीएस 2022 में. सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट बिगैन इट्स टूपा. 1875 में एक रिवोल्ट हुआ था मनी लेंडर और ग्रेन डीलर्स के अगेंस्ट. जो कि एक मार्केट सेंटर था. रियोट्स फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरियाज गैदर एंड अटैक द शॉपकीपर्स डिमांडिंग बाई खाता एंड डेप्ट बॉन्ड्स. They burned the khatas and looted again the shops and some cases set fire to the houses of this. Pune se Ahmednagar tak ye revolt hona shuru ho chuka tha. More than 30 villages were affected. Everywhere the pattern was same. Shahukars were attacked. Account books were burnt and debt bonds were destroyed. Police posts were established in the villages to frighten the rebellious peasants. Troops were quickly called in. 951 people were arrested. The Rayoth and the Moneylender appeared in the native opinion. ये भी याद रखिएगा जी, पेपर में आ सकता है. ये भी Deccan Rayoth Commission. अभी देखेंगे सारा. पंद्रह मई को अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था. क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में तो कुछ मिला नहीं, अब इन्होंने यहाँ पर कौन सा रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़, जैसे जैसे प्रोड्यूस बढ़ता जाएगा टैक्स भी बढ़ता जाएगा. और उसको रिवॉर्ड पाई
क्योंकि रेवेन्यू डिमांड पहले फिक्स्ड थी, उससे वो क्लेम नहीं कर सकते थे अगर अर्निंग्स बढ़ती हैं। ठीक है जी, तो थिंक ऑफ वेज टू मैक्सिमाइज इट्स लैंड रेवेन्यू एंड एक्स द 19 एंड टेम्प्रेरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स पर मीट। ये किस बेसिस पे था? डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ऐसा एक टैक्स स्ट्रक्चर बनाया था इंग्लैंड में, उसी को फॉलो किया गया था। महाराष्ट्र हर लैंड की एक तो पहले उपाय था कि देखा गया कि लैंड ओनर शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट, एंड व्हेन द लैंड यील्डेड मोर देन एवरेज रेंट द लैंड ओनर हैड अ सरप्लस स्टेट नीडेड टू टैक्स वर लाइकली टू टर्न इन टू रेंटर्स एंड देयर सरप्लस इनकम वॉज अनलाइकली टू बी प्रोडक्टिवली इन्वेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया थॉट दैट द हिस्ट्री ऑफ द रिकार्डोस थ्योरी दे द जमींदार सीम टू हैव टर्न इन टू रेंटिया। तो द रेवन्यू सिस्टम दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे डेकन केम टू बी नोन एज रेवतवाड़ी सिस्टम। क्लियर हो गया, डायरेक्ट रेवत से लेना, डायरेक्टली फ्रॉम द रेवत, एंड द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट सॉइल वॉज एस्टिमेटेड। सो प्रोपोर्शन ऑफ इट वॉज फिक्स्ड। रेवेन्यू डिमांड एंड द फर्स्ट सेटलमेंट मेड इन बॉम्बे डेकन वॉज मेड इन 1820। द रेवेन्यू दैट वॉज डिमांडेड वॉज सो हाई दैट इन मैनी प्लेसेज पीजेंट्स डेजर्टेड देयर विलेजेस एंड माइग्रेटेड टू न्यू रीजंस। और रेन फेल हो रही थी तब भी ये प्रॉब्लम हो गया। वर कीन ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एफिशिएंसी एंड प्लीजिंग देयर सुपीरियर्स, वो टैक्स का टैक्स मांग रहे थे। ये चीज़ें 1830s में प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गई। 1830 डिड नॉट रिकवर, कंट्री साइड वॉज डिवास्टेटेड बाय फेमिन, सो इनएविटेबली दे हैड बोरोड, रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट अ लोन। अब हो रही ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होगी। और 1840s में देर वॉज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ये इम्पोर्टेंट है। वॉज रेवेन्यू डिमांड बहुत एग्जॉर्बिटेंट, उतनी प्रोडक्शन नहीं होती, सो मॉडरेटेड टू इनकरेज द पीजेंट्स टू एक्सपेंड कल्टिवेशन। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उस समय ना इंग्लैंड में कॉटन की इंडस्ट्री बहुत तगड़ी चल रही थी, लेकिन ये सारा कॉटन की सप्लाई ज़्यादा 3/4 US से आती थी। ठीक है जी, लेकिन वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है। 3/4 द रॉ कॉटन इम्पोर्ट्स इन टू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम अमेरिका, और वो हमेशा चिंतित थे कि कहीं पे कल को लड़ाई होगी अमेरिका के अंदर की, तो कॉटन कहाँ से आएगा, इनका इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। रादर 57 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन ब्रिटेन। 59 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वॉज टू इनकरेज कॉटन प्रोडक्शन। इंडिया वॉज सीन एज अ कंट्री दैट कुड सप्लाई कॉटन। तब इन्होंने स्लोली स्लोली सोचा कि इंडिया को बीच में डाल देंगे। और अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में हो भी गया शुरू, और पैनिक होनी शुरू हो गई थी कॉटन कहाँ से आएगा। तब इंडिया में यहाँ पर बूम आया। असेस किया, कॉटन प्राइसेस बहुत बढ़ी इंडिया में, मर्चेंट्स बहुत इधर लोन देने शुरू कर दिए सभी को, शाहूकार्स ने एडवांस देने शुरू कर दिए सभी को, क्रेडिट दिया रूरल विलेजेस को, ये सब अच्छे से होना शुरू हो गया। लेकिन बाद में होता गया, इन द टेक्नोलॉजीज सडनली फाउंड एक्सेस टू सीमिंगली, बहुत इनको क्रेडिट मिल रहा, पैसे मिल रहे, क्योंकि सभी को लग रहा है कि अभी ये कॉटन की प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट आएगी, ये टैक्स ज़्यादा देंगे, हमें पैसे ज़्यादा देंगे। लेकिन हुआ क्या, बॉम्बे डेकन एक्सपेंड भी हुआ 60-64 तक, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो गया था, बट दीज बूमियर्स कुछ ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं ला पाए। रिच पीजेंट्स डिड गेन, बट फॉर द लार्ज मेजोरिटी कॉटन एक्सपेंशन मेंट हैवियर डेब्ट, उधार और चढ़ गया। अचानक जब वापस US में नॉर्मल होते कंडीशंस, तो बॉम्बे गैजेट ने बताया कि व्हाट कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम सप्लांटिंग द स्लेव स्टेट्स ऑफ दिस थिंग। तो वापस इंडिया में हालात ख़राब, और शाहूकार ने अब टैक्स देना बंद कर दिया। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना देखिए, दैट्स ऑल। क्रेडिट ड्राइड अप,
तो अब मनी लेंडर दे नहीं रहे और ऊपर से टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं। अब हो क्या गया, वॉज नॉट सिंपली दे हैड गॉट डीपर डीपर इन टू डेट। अब जहाँ जिंदगी है मौत है तो इससे अच्छा लड़ के ही जाए। वो सर्टनली वाइड स्प्रेड बिफोर लूनेडू एंड मनी लेंडर्स वर ऑफन पावरफुल। तो तब अंडर कलोनियल रूल दिस नॉर्म ब्रोक डाउन इन वन ऑफ द मेनी केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय डेक्कन जॉट कमीशन। द मनी लेंडर हैड चार्ज 2000 एज इंटरेस्ट फॉर 100 रुपीज प्रिंसिपल। इसके कारण बाद में सरकार ने कानून भी पास किया कि कोई भी लिमिटेशन लॉ, ये भी पेपर में आया हुआ, लोन बॉन्ड साइन बिटवीन द मनी लेंडर एंड ड्यूर्स वर वैलिडिटी फॉर ओनली 3 ईयर्स टू चेक एक्युमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। हाउ टर्न द लॉ अराउंड एंड फोर्सिंग ड्यूर्स टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 ईयर्स एंड द एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट वाज एंटर्ड इनटू द प्रिंसिपल अमाउंट। The Deccan Rewards Commission collected rewards, described how this process worked and how moneylenders used a variety of short-change the reward. ये था जी अपना Deccan Rewards वाला चक्कर। Unwilling to see it anything serious, but the government of worried in the memory of 1857 pressurized the government to set up a commission to investigate into the cause of the rewards. ये भी पेपर में आया हुआ जी, लंबा था टॉपिक, बोरिंग था, लेकिन क्वेश्चन पक्का है इस टॉपिक से भी। क्लियर हो गया जी सभी को। द रेंज ऑफ सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ द रिवॉर्ड एंड टू द इंक्वायरीज वेयर द रिवॉर्ड स्प्रेड एंड। तो जी इसको पढ़िएगा तो नहीं, सिर्फ एक बार ही देख लीजिएगा कुछ डेट्स। आशा है कि आपको पहाड़ी और संथल वाला टर्म समझ आ गया, दामिनी को वर्ड समझ आ गया। उससे पहले हमने ज़मींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था और फिर हमने अब रियातवाड़ी सिस्टम पढ़ा बाद में इन बॉम्बे। तो ये सारा सिस्टम था जो इम्पोर्टेंट आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी रिवोल्ट 1857 की, रिकॉर्ड हो गई लेकिन पब्लिश तभी होगी जब ये रीच करेगी मासेस तक, उन लोगों तक जिनको दिक्कत है हिस्ट्री में। और अगर सही लगे वो भी आपने अपडेट करना है, एनडीए वालों तक पहुँचाइए, सीडीएस वालों तक पहुँचाइए, सभी तक पहुँचाइए। थैंक यू, जय हिंद।